अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज नर्व एंड मसल, और इसके हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने एक जनरल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें हर सब्जेक्ट के लिए, एनाटॉमी के लिए, फिजियो के लिए, बायोकेम के लिए किन किन बुक को रेफरेंस बनाना है और कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज करने हैं। So, अब हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजियो में हम नर्व एंड मसल की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें जो एमसीक्यूज के सोर्सेज है ना, वो गार्टन रिव्यू, बीआरएस और पास्ट पेपर्स, यही तीन सोर्सेज बेसिकली यूएचएस का जो पैटर्न है ना उसी के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो यहाँ से आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज आपके आते हैं ना वो गार्टन रिव्यू में से आते हैं, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आपके, ठीक है। तो गार्टन रिव्यू के एमसीक्यूज आप कोशिश करें कि सारे जो है वो एक दफा देख लें, लेकिन अगर आप ये वीडियो वाले एमसीक्यूज भी कर लेंगे तो ये वो सारे टाइप के एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड किए जो कि पेपर में आ सकती हैं। सो मूव करते हैं। सबसे पहले एक पास्ट यूएचएस के पेपर का ही एमसीक्यूज है, दैट इज वोल्टेज गेटेड चैनल इन द स्मूथ मसल्स आर। स्मूथ मसल्स के अंदर वोल्टेज गेटेड चैनल्स कौन से होते हैं? सोडियम चैनल्स ओनली, कैल्शियम चैनल, सोडियम एंड कैल्शियम या नन ऑफ दिस। आपको पता है कि जब हम स्मूथ मसल की बात करते हैं तो उसमें हमने स्पेसिफिकली रोल पढ़ा था कैल्शियम और सोडियम दोनों का, ठीक है। सो उसके अंदर ये दोनों चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। सो बिल्कुल सिंपल सा इसका था आंसर था, उसमें दोनों चैनल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमने उसके एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा था। अगर आपको याद हो जब हमने स्मूथ मसल का डिस्कस किया था तो उसमें हमने कैल्शियम चैनल का भी जिक्र किया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हर टाइप के एमसीक्यूज इसमें ऐड किया, सो आपको आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्ट ये एमसीक्यूज तो नहीं, इस तरह का एमसीक्यूज आ सकते हैं। So, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर द पोटेशियम इन मिलीवोल्ट्स। देखिए जब हमारे पास सिंगल किसी पोटेंशियल की बात की जाएगी ना तो हमें पता वहां पे नस्ट इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मतलब आपके पास सोडियम पूछ लिया जाए, पोटेशियम पूछ लिया जाए, तो ये जस्ट हमने क्या चीज याद रखनी है, हमने उनकी वैल्यूज याद रखनी है कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर उनकी वैल्यूज कितनी है। सो उन वैल्यूज के बेस पे हमने जो है इसका पोटेंशियल याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है 0, 176, -176, 88 और -188। सो सिंपल से हमारे पास हमने जो नस्ट इक्वेशन है वो अप्लाई करनी है, माइनस लो और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनसाइड और आउटसाइड ये अप्लाई करनी है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है कि -61 लोग, जिस तरह हमने जो है इसका लगाना है -61 log और उसके बाद हमारे पास आउटसाइड और इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन लगा देनी हमारे पास पोटाशियम की। सो 140/5, सो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा इट्स -88, ठीक है। सो ईटा ऑप्शन है इसका -88। सो इस तरह से आपने जो है ये याद रखना। सेकेंड वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन एट्रीब्यूट ऑफ विसरल स्मूथ मसल नॉट शेयर्ड बाय स्केलेटल मसल्स। अच्छा, स्केलेटल मसल में ऐसा फीचर जो नहीं होता और जो विसरल स्मूथ मसल है उनके अंदर होता है वो हमने बताना है। सबसे पहले कॉन्ट्रेक्शन इज एटीपी डिपेंडेंट, आपको पता है कि जो हमारे पास स्केलेटल मसल है उनके अंदर भी जो है एटीपी डिपेंडेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच, यस, जो स्केलेटल मसल है ये स्ट्रेच के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। डज नॉट कंटेन एक्टिन फिलामेंट, हाई रेट ऑफ द क्रॉस बीट साइकिलिंग और लो मैक्सिमल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो ओवरऑल हमें सेकेंड भी ऑप्शन मिल गया था जिसमें था कि जो हमारे पास विसरल स्मूथ मसल होते हैं ये जो हमारे पास स्ट्रेच होता है इसके रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि स्केलेटल मसल जो है वो नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है वेट लिफ्टिंग कैन रिजल्ट इन ड्रामेटिक इंक्रीज इन द स्केलेटल मसल मास। दिस इंक्रीज इन द मास इज प्राइमरी एट्रीब्यूट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें सबसे पहले हमारे पास ना चार कैटेगरीज आती है, हम ये दोबारा डिस्कस करते हैं। उसने कहा कि जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उसके अंदर आपके स्केलेटल मसल का मास इंक्रीज हो जाता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं और क्यों होता है।
It is due to fusion of sarcomere between the adjacent microfield. बिल्कुल नहीं, मायोफिब्रिल में जो है वो फ्यूजन इसकी वजह से नहीं होता. हाइपरट्रॉफी ऑफ इंडिविजुअल मसल, इंक्रीज इन द स्केलेटल मसल ब्लड सप्लाई. अच्छा, ये हाइपरट्रॉफी हो सकता है. इंक्रीज इन द स्केलेटल मसल ब्लड सप्लाई, यस ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है यहाँ पे. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, ये इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं. सो ये दो ऑप्शन था आपके पास, पॉसिबल ऑप्शन थे. लेकिन उसने सिर्फ जो बात इसमें स्पेसिफिकली की, दैट इज स्केलेटल मसल मास. एक्चुअली जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो इंडिविजुअल मसल फाइबर्स होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उसका सेल पहले ये था, सेल का साइज, तो सेल का साइज इंक्रीज हो, ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी. जब हाइपरट्रॉफी होगी उसके बाद हमारे पास ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी. सो हाइपरट्रॉफी की वजह से स्केलेटल मसल मास इंक्रीज हुआ, स्केलेटल मसल मास के इंक्रीज होने की वजह से ब्लड सप्लाई इंक्रीज हुई. सो ये हमारे पास ये कॉज एंड इफेक्ट वाला सीन है, ठीक है, कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज हो रही. तो सबसे पहले बेसिक रीजन इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द इंडिविजुअल फाइबर्स. उसके बाद द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटली विद अ 25 मिलीवोल्ट पल्स व्हिच इनिशिएट एन एक्शन पोटेंशियल विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड. द एक्सॉन इज डन स्टिमुलेटेड विद 100 मिलीवोल्ट पल्स. व्हाट इज द एक्शन पोटेंशियल वेलोसिटी आफ्टर 100 मिलीवोल्ट स्टिमुलेशन. देखें, हमने ना एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जब ये हमारे पास इसका मिलीवोल्ट पल्स हो, कि जितनी भी मिलीवोल्ट पल्स हो, जो उसके एक्शन पोटेंशियल की वेलोसिटी है पर मीटर पर सेकंड वो सेम रहेगी. यानी इसको हम कहते हैं ऑल और नॉन रिस्पांस. ऑल और नॉन रिस्पांस, ऑल और नॉन रिस्पांस का मतलब है कि एक फाइबर और दो फाइबर, जो मतलब या तो सारे फाइबर इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, या फिर कोई भी फाइबर्स जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा. यानी हमारे पास पोटेंशियल जितना मर्जी हो, जो मर्जी चीज हो, उसकी जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है वो हमारे पास सेम रहेगी. क्यों सेम रहेगी? क्योंकि हमारे पास जो नर्व इंपल्स है वो हमारे पास सेम ट्रेवल करेगी. सो हमारे पास 25 मिलीवोल्ट का हो ये वाला, या फिर 100 मिलीवोल्ट की पल्स हो, हमारे पास वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, ठीक है. सो आप देख सकते हैं दोनों का इसमें हाइपरट्रॉफी. उसकी रीजन भी वही है कि हमारे पास रिपीटेड मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से मसल मास इंक्रीज हो जाता है. इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी एंड रडर क्यों? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल के दरमियान जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सॉन है वो जब तक चेंज नहीं होता, मतलब माइलिनेशन नहीं होती, तब तक हमारे पास जो है वेलोसिटी चेंज नहीं होती. अगर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो सेम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं और सारी चीजें सेम दे रहे हैं, तो उसके में जो हमारे पास पल्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. उसको जितनी मर्जी स्टिमुलेशन करें, वो हमारे पास 100 मिलीवोल्ट हो या 25 मिलीवोल्ट हो, वेलोसिटी विल बी द सेम. सो हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आते हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स जो कि आती हैं. सबसे पहले हमारे पास ये एक नॉर्मल सेल्स उसमें दिखाए हुए हैं. इस सेल्स को हमने चार पांच तरह से जो है वो देखना है. नंबर वन हमने देखना है एट्रोफी. व्हाट इज एट्रोफी? एट्रोफी इज बेसिकली श्रिंकेज ऑफ द सेल. सेल का साइज रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना ड्यू टू डिफरेंट रीजन, मतलब इनर्वेशन लॉस हो सकती है, ब्लड सप्लाई लॉस हो सकती है, मेटाबॉलिज्म हमारे पास नॉर्मल हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल सकते. सो ड्यू टू एनी रीजन अगर हमारे पास एट्रोफी, सेल का साइज डिक्रीज होता है या श्रिंकेज होती है सेल की, this is called as atrophy. So आपसे पूछा जा सकता है कि shrinkage of the cell, decrease in the size of cell, जो this is called as atrophy. और इसकी main reason जो nerve and muscle में आपने यहाँ रखनी, वो रखनी denervation. यानी जब आपकी जो nerve supply कर रही है muscle को और cells को, वो हमारे पास innervate करना खत्म हो जाए, वो nerve damage हो जाए. Second number पे hyperplasia. Hyperplasia means increase in the number of cells. So आपको नजर आ रही है यहाँ पे 4 cells थे, यहाँ पे 6 हो गए. So increase in the number of cells, this is called as hyperplasia. और ये खास conditions में होता है, खास जो इसके terms and regulations होती हैं, जैसे कि हमारे पास जब बहुत ज्यादा हम वेट लिफ्टिंग करते हैं या बहुत ज्यादा हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उस दौरान भी हाइपरट्रॉफी प्लस हाइपरप्लेजिया हो सकता है.
उसके बाद हाइपरट्रॉफी आ गई, दिस इज जस्ट इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। उसके बाद आ गया मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया मींस कि हमारे पास एक खास तरह के सेल था जिसके खास तरह की शेप या एपिथीलियम थी, वो खास शेप या एपिथीलियम चेंज हो गई है, दिस इज कॉल्ड एज मेटाप्लेजिया। और डिसप्लेजिया जिसमें हमारे पास जो है वो शेप, एक शेप है कि उसकी एपिथीलियम चेंज हुई, मतलब एक खास तरह की सिचुएशन को विदस्टैंड करने के लिए, एक है उसकी एपिथीलियम डिस्ट्रॉय होगी, उसकी एपिथीलियम खराब होगी, दिस इज कॉल्ड एज डिसप्लेजिया। So, ये टर्म्स याद रखने वाले और ये सारी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 55 ईयर ओल्ड वुमेन विजिट हर फिजिशियन बिकॉज ऑफ डबल विजन, आईलिड ड्रॉप, डिफिकल्टी च्यूइंग, स्वेलिंग एंड जनरल वीकनेस इन हर लिम्स, ऑल दीज सिम्टम्स वर्सन विद एक्सरसाइज एंड अकर मोर फ्रीक्वेंटली लेट इन द नाइट डे। द फिजिशियन सस्पेक्ट द मिस्थेनिया ग्रेविस एंड ऑर्डर टेंसिलोन टेस्ट, द टेस्ट इज पॉजिटिव, सो हमारे पास मिस्थेनिया ग्रेविस वो कंफर्म हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड लाइकली एलिविएट द पेशेंट सिम्टम। अब देखें हमें पता है कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी मिस्थेनिया ग्रेविस है और ये सारे हमारे पास जो है वो शो हो रही है, सो हम इसको रिलीव करने की कोशिश करेंगे। सो आपको पता है कि ये हमने दो तरह की चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस जो था उसके इनहिबिटर्स होते हैं ताकि वो एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस जो बेसिकली तोड़ रही है, ठीक है, और एक है एसिटाइलकोलाइन के जो हमारे पास रेगुलेटर्स होते हैं। सो इसमें हम इनहिबिटर को जो है वो अवॉइड करेंगे, सो हमारे पास ये जो है एलिविएट जो हमारे पास इनहिबिटर है वो यहाँ पे यूजफुल होगा, नियोस्टिग्मिन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो नियोस्टिग्मिन इज एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस इनहिबिटर जो कि एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस जो कि एसिटाइलकोलाइन को तोड़ रहा है उसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा एसिटाइलकोलाइन जो है वो प्रॉपरली रिलीज होगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो हमारे पास सिम्टम्स है ये एलिविएटेड है, ठीक है। सो हमारे पास बाकी एट्रोपिन और बोचुलिज्म, एंटी सीरम, क्यूरिन और हेलोथेन, ये सारे वो वाले ऑप्शन है जो कि हमारे पास इसके सिम्टम्स को वर्सन करेंगे मजीद, ठीक है, तो हम ये वाले नहीं देंगे। If intracellular concentration of a membrane permeate the substance double from the 10 to 20 millimolar and extracellular concentration remains at 5 millimolar, the rate of diffusion of dead substance cross plasma by increase by which factor? देखें इसका मतलब क्या है, उसने कहा ये हमारे पास extracellular है और ये है intracellular। उसने कहा हमारे पास पहले एक ऐसी concentration थी कि हमारे पास intracellular 10 थी और एक्स्ट्रा सेलुलर 5 थी, ठीक है, और दोनों के दरमियान जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था दैट इज 5 यानी 10 - 5। उसने कहा कि उसने इंट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया डबल, यानी इसने कर दिया है 10 की बजाय उसको 20 कर दिया, ठीक है। सो 10 की बजाय अब ये होगी 20 और इसको उसने रहने दिया है 5। उसने कहा अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितने टाइम्स ज्यादा हुआ है, सो आपको तो देखो अंदर 20 है बाहर 5 है, बाहर वाला उसने चेंज नहीं किया, अंदर वाला डबल कर दिया, सो 20 - 5 जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज 15। सो 15 जो है पहले कितना था हमारे पास, पहले हमारे पास था 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सो हमारे पास ओवरऑल 3 टाइम्स हमारे पास जो है ये इंक्रीज हो गया। सो इस तरह से हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। So, देखे दोनों के ऑप्शन, नियोस्टिग्मिन इज एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस इनहिबिटर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग वुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलाइन प्रेजेंट इन द साइनैप्स एंड इज एबिलिटी टू सफिशिएंट डीपोलराइज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी इसी तरह एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करेगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास यही कि 20 मिलीमोलर था, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दी 2 टाइम्स, सो 20 - 5 = 15 रह जाएगा जो कि 3 टाइम हो जाएगा उसका। Smooth muscle that exhibit rhythmical concentration in the absence of external stimuli also necessary to exhibit which of the following? देखें, external stimuli नहीं है, इसकी intrinsic property है। So slow voltage sensitive calcium channel ये तभी होंगे जब आपको external stimuli मिलेगा। Intrinsic pacemaker wave activity ये smooth muscles के अंदर होती है जो कि इसकी intrinsic property होती है, ठीक है। So in the absence of external stimuli ये वाली property show होगी। High resting cytosolic calcium concentration ये भी बाहर से सोर्स आएगा। Hyperpolarized membrane potential और action potential with plateau ये सारी चीजें external sources हैं। So अगर हम इसका आंसर देखें
So it is intrinsic pacemaker wave activity. Q, an intrinsic rhythmical pacemaker is necessary for a muscle to contract spontaneously and rhythmically. So in intestinal smooth muscle, for example, exhibit a rhythmical slow wave potential that transiently depolarize and depolarize the muscle membrane. So overall हमारे पास जो smooth muscle है उनकी एक property होती है कि वो खुद से depolarize, repolarize करते रहते, slow wave potential create करते रहते हैं. जब proper action potential create करना हो तब उनको external source की जरूरत पड़ती है. So intrinsic pacemaker pacemaker activity. The sensitivity of smooth muscle contractile apparatus to the calcium is known to increase in steady state under the normal condition. The increase in the calcium sensitivity can be attributed to a decrease in the level of which of the following. देखें, उसने कहा है कि हमारे पास calcium sensitivity increase हो गई है, तो इसकी वजह से क्या चीज decrease हुई है? मतलब आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि इसके action potential के अंदर that is myosin chain like phosphatase. इसके हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि ये जो फॉस्फेटेज है इसने फॉस्फेट को तोड़ना होता है, सो इसकी वजह से हमारे पास जो कैल्शियम की सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. बाकी हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं बनता. सो हमारे पास बाकी ऑप्शन है एक्टिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम कोलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स एंड कोलमोडुलिन. ये इनमें से कोई भी नहीं बनता, क्योंकि मायोसिन लाइट चेन लाइक जो फॉस्फेटेज है ये हमारे पास इज यूनिक इट्स एबिलिटी टू जनरेट वेरियस डिग्री ऑफ टेंशन एट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इन द इंट्रासेलुलर कैल्शियम. द चेंज इन द कैल्शियम सेंसिटिविटी ऑफ द स्मूथ मसल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डिफरेंस इन द एक्टिविटी ऑफ मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जनरल जो हमारे पास नर्व एक्शन पोटेंशियल, इसके अंदर आप देखो स्टिमुलस मिला, ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -70 बेस्ड है. हमें स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस जैसे ही मिला सबसे पहले एक लोकल पोटेंशियल क्रिएट होगा, लोकल पोटेंशियल के बाद एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है. ठीक है, सो हमारे पास जो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल है ये लोकल पोटेंशियल दो तरह का होता है, हमारे पास थ्रेशहोल्ड और अक्यूट. सो इस तरह से हमारे पास जो इसकी आगे डिपोलराइजेशन, उसके बाद हमारे पास डिपोलराइजेशन हुई जिसमें हमारे पास सोडियम आयन जो है ये हमारे पास सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम आयन जो आएंगे जिसके वजह से डिपोलराइजेशन होगी. उसके बाद जो पोटेशियम आयन है ये आउट होंगे जिसके वजह से रिपोलराइजेशन होगी. पोटेशियम आयन आउट होते रहेंगे जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये एक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एज हाइपरपोलराइजेशन, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम चैनल की वजह से दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो हम अचीव कर लेंगे. सो ये हमारे पास ओवरऑल इसका आइडिया होना चाहिए कहाँ पे सोडियम चैनल ओपन होते हैं, कहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, एक्यूट सब थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, सब थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए. उसके बाद आ गया रिफ्रैक्टरी पीरियड. रिफ्रैक्टरी पीरियड हम बेसिकली क्या किस चीज को कहते हैं, दो एक्शन पोटेंशियल के दरमियान जो टाइम होता है ना डेट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड. ठीक है, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड किस लिए होता है, ताकि हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है प्रॉपरली जनरेट हो सके. Absolute refractive period is that time from the opening of sodium activation gate until the closing of inactivation gate. The neuron cannot respond to another stimuli. Yani basically, जो refractive period है एक खास period है, मतलब एक potential create हुआ हुआ ये वाला. ठीक है, अब वो कहता है जब ये action create हुआ ना इसके दौरान कोई दूसरा action potential इस जगह create नहीं हो सकता. This is basically refractive period. यानी दो successive जो हमारे पास पोटेंशियल क्रिएट हुए उनके दरमियान का जो टाइम है, यानी एक ये पोटेंशियल है एक ये पोटेंशियल है, सॉरी ये दो पोटेंशियल हैं. अब इनके दरमियान ये वाला जो टाइम है ना इस दौरान कोई और एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो सकता, यानी सेकंड एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो सकता. सो दो सक्सेसिव जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल के दरमियान का जो टाइम पीरियड है जिसमें कोई और हमारे पास वो वाली जो न्यूरोन है दोबारा किसी दूसरे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड. सो इट्स एब्सोल्यूट और रिलेटिव, दो तरह के रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं. एब्सोल्यूट के जिसमें कोई भी एब्सोल्यूट है जिसके अंदर कोई भी नहीं जो हमारे पास एक्शन पीरियड है वहां पे क्रिएट नहीं हो सकता, जबकि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है फॉलोज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड. सोडियम गेट्स आर क्लोज, पोटेशियम गेट्स आर ओपन एंड डीपोलराइज इज अकरिंग, ओनली अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कैन जनरेट हमारे पास एक्शन पोटेंशियल. सो जब यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है जहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन है, सो इस टाइम के अंदर जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, यानी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई आएगा तो यहाँ पे एक नया एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है.
सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद स्मूथ मसल के आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास स्पाइक एक्शन पोटेंशियल है, प्लेटू है जिसमें कैल्शियम का रोल है, और स्लो वेव है। ये तीनों तरह के आपके एक्शन पोटेंशियल का आइडिया होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये सारी चीजें ग्राफ से आपको नजर आ रही है। सो आपने ये चीजें याद रखनी है। अब आगे हमारे पास स्मूथ मसल एक्शन पोटेंशियल, आपको तो दो तरह के न्यूरोजेनिक विद मायोजेनिक। जो न्यूरोजेनिक स्मूथ मसल है, इसमें रिक्वायर्ड द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू अ रिसेप्टर टू इनिशिएट द डीपोलराइजेशन फेज, यानी आपको एसिटाइलकोलाइन, नोरएपिनेफ्रिन, किसी खास तरह का हमारे पास जो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए। इन अदर टाइप ऑफ स्मूथ मसल द इनिशियल डीपोलराइजेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय हार्मोन्स और मैकेनिकल स्टिमुलेशन। जबकि मायोजेनिक की बात करें, कैन स्पॉन्टेनियसली डीपोलराइज, पेसमेकर potentially gradually depolarize VM to reach a threshold and then the repolarize to a part of action potential. इसमें slow wave हमारे पास potential आ जाती है। So you have to differentiate between neurogenic and myogenic action potential. So that's all about के हमारे पास जो nerve and muscle में किस तरह के MCQs आ सकते हैं। You have to remember the action potentials. You have to remember the types of action potentials. You have to remember the conditions, terms जिसमें हमारे पास एट्रोफी, हाइपरट्रोफी और हमारे पास हाइपरप्लेजिया, ये सारी कंडीशन। इसके अलावा एक राइगर मोर्टिस से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट आल्सो। इसके अलावा जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है वो मैंने आपको बता दिया, सारी टर्म्स भी बता दिए। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होप सो इसमें से कुछ चीजें आपके जेहन में बैठी होंगी। आपने इन्हीं चीजों को जेहन में रखते हुए जब बुक की रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।